खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आप सभी का इस्तकबाल है SKM 91 न्यूज चैनल में। शहर में कत्लों की वारदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पुलिस की कड़ी सख्ती के बावजूद भी कत्लों व हमलों की वारदात पेश आ रही है। शहर को क्राइम फ्री बनाने की पुलिस की कोशिशें नाकाम होते नजर आ रहे हैं और मुजरिमों के सरगर्मियां कभी दिन दिहाड़े तो कभी रात के अंधेरे में चाकू व रॉडों से हमला व कत्ल किया जा रहा है। कल रात भी शहर में एक और कत्ल की वारदात पेश आई। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में शेख नज़ीर 25 साल के नौजवान का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सी ब्लॉक नगर के रिहायशी शेख नज़ीर पर 4 से 5 अफराद के ग्रुप ने हमला किया। वो शदीद जख्मी हुए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इन्हें मुर्दा करार दिया गया। DCP साउथ ईस्ट रुपेश ने कहा कि वो कत्ल के पीछे की वजह जानने और कातिलों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नज़ीर मुबीना तौर पर 1-2 साल कबल जहीराबाद में विशाल शिंदे के कत्ल में मुलव्वस थे। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद मज़ीद तफसलात हमारे नुमाइंदे राशिद मोहीउद्दीन की खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। 2:30 और 3 बजे के बीच में कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शेख नज़ीर विक्टिम को मारा गया है इधर। सो हमारा लोग विद इन 20 मिनट्स में आ गया। उसको हमको कुछ अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 4-5 लोग पार्टिसिपेट हुआ बोल के आ रहा है और पूरा कंफर्म करना पड़ता है। और उसको इंजरी होने के बाद हॉस्पिटल को शिफ्ट किया, बट उधर ट्रीटमेंट देने के बाद शेख नज़ीर ने डेथ डिक्लेयर हुआ। उसको अभी OGH को शिफ्ट हुआ है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट हुआ है उसको पकड़ने के लिए अभी पूरा चंद्रायन गुट्टा डिवीज़न और संतोष नगर डिवीज़न का पूरा इंस्पेक्टर आया है। हम कोशिश कर रहे हैं विद इन वेरी लेस टाइम हमें अक्यूज को पकड़ेंगे और उसको सजा मिलने के लिए पूरा साइंटिफिक तरीके के से इन्वेस्टिगेशन करेगा। सर ये जो मरने वाला है ये रोडी शीटर का कंसर्न है? वो पहले अभी रोडी शीटर है प्राइमरी सोर्सेस में। पहले 3 साल के पहले एक केस हुआ था, उस केस में रोडी शीटर था। फिर पूरा इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है कि हुआ कैसे हुआ क्या हुआ। सर बताया जा रहा है कि कुछ रिवेंज मर्डर है उनके, हो सकता है। एक बार पूरा अक्यूज को पकड़ने के बाद हम पूरा डिटेल्स